पापा क्या खा रही है? सेमिया खा रही है। मुझे दोगी? ये बनी ये वाला ड्रेस वेयर किया है जी। और साथ बैठी हुई है आयजा। आयजा क्या खा रही है? सेमिया। सेमिया होती हैं। आयजा ने ये वाला ड्रेस वेयर किया है, ये आयजा की मामी ने सिलाई करके दिया है आयजा को। जी फरीद ने ये वाला ड्रेस पहना हुआ है और अपने सैंडल पहने हैं फरीद ने, और हिबा ने अपने सैंडल ये फेंके हुए हैं। क्या लेके आए हो? ये पैसे भी लग रहा है, मार्क्स भी, लड्डो भी। लड्डो भी लेके आए हो? घड़ी भी। घड़ी भी? वाओ दिखाना। फरीद की आवाज तो बहुत प्यारी है, मुझे दे दो। मम्मा को ईद नहीं देनी? ये देनी। क्या देना? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ़ से दिली ईद मुबारक कबूल हो। और जी अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह खुशी के साथ ईद गुजारने की तौफीक दे, और हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, और हम सब अगले साल भी इसी तरह जो है ना खुशी के साथ ईद गुजारे, आमीन। और जी ये सुबह हो गई थी और मैं हिबा का ड्रेस जो है ना वो प्रेस कर रही थी। ये मैंने खुद स्टिच किया है हिबा का, और पहना हुआ भी बहुत प्यारा लगता है। जब आप देखेंगे तो वाकई में बहुत प्यारा लगेगा, आप लोग भी कहेंगे। तो ये वाला ड्रेस मैंने वेयर करना है, और ये फ्रॉक मैंने स्टिच की है। इस तरह से मैंने प्लेट डाल के इसके अंदर इस तरह से मैंने लेस ऐड कर दी है और पट्टी बनाई है, और इसके ऊपर मैंने कुछ लगाना था लेकिन दो दिन से मेरी तबीयत जो वो बहुत ख़राब थी, मेरे व्लॉग भी नहीं आ रहे थे इसी वजह से। और ये मैंने अभी प्रेस करना है, तो इस तरह से इसके बाजू मैंने बनाए हैं। बाजू इस तरह से मैंने प्लेट डाल के बनाए हैं, और इस तरह से ना ऊपर की तरफ मैंने कपड़ा फोल्ड किया, एक कफ की शक्ल दी, और उसके अंदर मैंने इस तरह से लेस ऐड कर दिया है, जो कि बहुत ही प्यारा जो डिज़ाइन बन गया है। और नीचे दामन पे मैंने इस तरह से ना शीटर लेस, जो आजकल बहुत ट्रेंड है, मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई थी, वो मैंने लगाई है, और इतना प्यारा खूबसूरत जो है ना वो फ्रॉक तैयार हुआ है। और इसके बैक साइड पर भी इसी तरह से प्लेट है लेकिन लेस ऐड नहीं की। उसके बाद जी ये कुछ ना चांद रात की जो है ना वो क्लिप मैंने बनाया था, चांद रात को ना मेहंदी लगाई थी, खुद ही मैंने यानी के लगानी स्टार्ट की थी, तो फिर मेरे मुझसे लग नहीं रही थी, फिर मेरी नंद ने ना थोड़ी सी लगा दी मेरे। तो उसके बाद जी फिर मैंने जो ना हैंड धोया है, तो यहाँ पे मैं ना अपना ड्रेस भी देख रही थी, और साथ मैंने कहा कि आप लोगों को दिखा दूँ, ये भी चांद रात की ही है वीडियो। और उसके बाद जी फिर ना ईद नमाज पढ़ी, और माशाल्लाह से कुर्बानी थी हमारी भी, और मैं सालन तैयार कर रही थी, जो पहला सालन होता है ना कबाब वगैरह वो वाला। उसके बाद जी खाना खाने के बाद हमने कहा कि कुछ मीठा हो जाए, और ये स्वीट तो पहले ही ला के रखी हुई थी, जाहरी बात है ईद है तो ईद पे स्वीट तो होती है। तो फिर हमने खाना खाने के बाद स्वीट लिया और बहुत मज़ा आया। उसके बाद जी हमने सोचा कि क्यों ना कहीं घूमने फिरने जाए, क्योंकि बच्चे जो है ना वो ईद तो उन्हीं की होती है। तो फिर हम कहीं जा रहे थे और हिबा को मैंने फिर से रेडी किया है, और माशाल्लाह से ये देखिए कितनी प्यारी उसका फ्रॉक लगी है। तो यहाँ पे जी हम पार्क पहुँच गए थे, हम गए थे जी इधर लाहौर में जो है ना बहरिया टाउन, हम उधर गए थे, और बच्चों ने जो है ना माशाल्लाह से बहुत इंजॉय किया। ईद जो होती है वो बच्चों की होती है, बड़ों के तो काम ही ख़त्म नहीं होते। तो यहाँ पे हिबा को स्लाइड का बहुत शौक है, तो वो स्लाइड ही लेती है ज़्यादातर। तो उसके बाद जी हम गए थे अल्फ़ा टावर जो है ना बहरिया टाउन, वहाँ पे गए, और वो हमने इंजॉय किया, और बच्चों को इस तरह से आइसक्रीम लेके दी हमने, और बहुत मज़ा आया। और हिबा जो है ना वो तो फुल इंजॉय करती है आइसक्रीम को, ये देखिए उसका मुँह कितना ख़राब हुआ हुआ है। तो उसके बाद हम वापस आए हैं, वापस आते हुए फिर हमने नहीं खाई थी, छोटे बच्चों ने वो खा ली थी। फिर हमने घर में जो है ना वो इस तरह से भरा जो एक डिब्बा सा ना वो आइसक्रीम का वो हम लेके आए, तो फिर घर में बैठ के हमने इजी तरीके के साथ ना खाई है। तो कुल्फ़ा लेके आए थे, कुल्फ़ा आइसक्रीम। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफ़िज़।